इस इस बार 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 हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे हो गए और ऐसे ही अच्छे और तंदुरुस्त रहिएगा सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा माइस सी विशाल भिट्टर फैकल्टी ऑफ इंडायरेक्ट एक्सेस एट वी स्मार्ट अकेडमी ऑल्सो फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वी स्मार्ट अकेडमी सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल जानकारी देने वाला हूं फॉर सी ए सी एम एस सी एस फाइनल स्टूडेंट्स आई डी टी न्यू बैचेस अपलीकेबल फॉर दो स्टूडेंट्सर गोइंग टू अपीय इन नोवर ट्वेंटी थ्री एंड मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन इसलिए ये वीडियो जो है आप एंड तक जरूर देखिएगा आपकी बैचेस से रिलेटेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ सो so, दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी दो बैचेस होती है आई डी टी रेगुलर की एक होता है आई डी टी रेगुलर इनडेप कोर्स और दूसरा होता है आई डी टी रेगुलर एग्जाम ओरिएटेड कोर्स तो ये जो दोनों भी बैचेस आपको अवेलेबल है ये हमारे वेबसाइट पर वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम पर आपको मिल जाएगा एज वेल एज आपको हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर्स के भी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी आ, आगे बढ़ने के पहले मैं जो है यहाँ पे आईडीटी रेगुलर इंडिप कोर्स और आईडीटी रेगुलर एग्जाम और ओरिएंटेड कोर्स इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको देना चाहूँगा। नाउ यहाँ पे तो यस दोस्तों यहां सीएसीएमएस सीएस फाइनल आईडीटी रेगुलर बैचेस जो नवंबर 23 और मई 24 एग्जामिनेशन के लिए यहां पे स्टार्ट हो रही है तो यहां दो कोर्सेस हमारे अवेलेबल है एक है आईडीटी रेगुलर इनडेप कोर्स जो आई रेगुलर फुल कोर्स है और दूसरा आई डी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स तो आई डी टी रेगुलर इंडेप कोर्स ये फर्स्ट अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है और आई रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स ये जो है फिफ्टीन अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने वाला है तो चलिए आपका एक बिल्कुल सवाल होगा कि सर ये दोनों कोर्स में डिफरेंसेस क्या है क्योंकि दोनों कोर्स रेगुलर है और फुल कोर्स है तो डिफरेंसेस क्या है तो मैं आपको डिटेल में दोनों कोर्सेज के डिफरेंसेस आप बताना चाहूंगा सो so दैट आपको ये आसानी हो कि आपने आई रेगुलर इंडेप कोर्स लगाना चाहिए या आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लगाना चाहिए तो आर यू रेडी यस तो चलिए सबसे पहले तो इनके जो बुलेट पॉइंट्स है वो आपको बता दूं ओके आईडीटी रेगुलर इंडिप फुल कोर्स में मैं यहाँ पे टोटल सिक्सटी फाइव लेक्चर्स लेता हो अप्रोक्सीमेटली ये जो है टू थर्टी आवर्स का होता है वॉच टाइम इसमें वन पॉइंट फाइव टाइम्स होगा और वैलिडिटी अनलिमिटेड होगी स्टडी मटेरियल रेगुलर बुक्स जिसमें आपको रेगुलर मॉडल्स क्वेश्चनर चार्ट बुक और वॉल ये दिए जाएंगे और प्राइजेस आपको जो है वेबसाइट पर अवेलेबल है ना आई डी टी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स ये जो है फिफ्टीन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से स्टार्ट होने वाला है टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इसमें फोर्टी फाइव लेक्चर्स है अप्रोक्सिमेटली ये वन सिक्सटी फाइव अवर्स का है ओके वॉच टाइम वन पॉइंट फाइव भी है वैलिडिटी इसमें अनलिमिटेड है और स्टडी मटेरियल जो है इसमें सेम स्टडी मटेरियल यानी आपको रेगुलर मॉड्यूल्स और क्वेश्चनर्स और चार्ट बुक और यहाँ पे वॉल वर्कशार्ट्स मिलने वाले हैं चलिए तो अब आपका ये सवाल होगा कि यहाँ पे सर दोनों में डिफरेंस क्या है और हमने कौन सा कोर्स बाय करना चाहिए तो मैं आपको ये बता दूँ डिफरेंस जो है हम थोड़ा बाद में देखेंगे पहले तो दोनों की सिमिलरिटी बता देता हूँ बेटा दोनों भी रेगुलर कोर्स है दोनों भी फुल कोर्स है दोनों में भी हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवरेज है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दू कि दोनों में भी मटेरियल जो यूज किया गया है वो मटेरियल एग्जैक्टली सेम है तो फिर आपका ऑबियस ये सवाल होगा कि सर फिर नंबर ऑफ लेक्चर्स और आवर्स में ये डिफरेंस क्यों क्योंकि आईडीटी रेगुलर इन फुल कोर्स में 65 लेक्चर्स है और आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में यहाँ पे 45 लेक्चर्स है और अराउंड दोनों का आवर्स का डिफरेंस हम निकाले तो यहां सिक्सटी आवर्स का डिफरेंस आ जाता है तो बेटा ये जो डिफरेंस है बिकॉज ऑफ फोर पॉइंट्स पहला जब मैं आई डी टी रेगुलर इंडियाफुल कोर्स लेता हूँ तो इसमें ओके मोस्ट ऑफ़ द सेक्शन एक्सप्लेन करते वक्त उसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ कि ये सेक्शन uh, क्यों आया कैसे आया और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था और गवर्नमेंट ने क्यों लाया

क्लास होने के बाद रिवीजन नहीं कर पाते और उनका अप्रोच ये होता है कि यार क्लास में ही रिवीजन हो जाए और क्लास में ही स्टडी हो जाए तो ज्यादा बेटर तो यस आई रेगुलर इंडिप कोर्स में किमुलेटिव रिविजन होती है थर्ड यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं रेगुलर नोट्स में कवर तो कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए लेकिन मेरा एक एडिशनल बुक आता है जो एक तरह का आप स्कैनर भी बोल सकते हो जिसका नाम मैं देता हूँ क्वेश्चन एम ये क्वेश्चन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लास में ही डिस्कस हो जाने हो जाते हैं तो मतलब आपको घर पे एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है और लास्ट बहुत सारे ऐसे करंट इश्यूज होते हैं जीएसटी में जो ऑफिस में आप फेस करते हो तो मैं ऑफिस के भी करंट इश्यूज लेता हूं डिस्कस करता हूं आपके साथ तो आईडीटी रेगुलर कोर्स में ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट की वजह से सिक्सटी फाइव आवर्स ज्यादा हो जाते हैं बेटा ये आईडी टी रेगुलर कोर्स जो है ये आपको सब्जेक्ट uh, में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सब्जेक्ट का इनडेप्थ नॉलेज लेने के लिए उसके बाद में ओके okay, uh, आपको प्रैक्टिस में भी या ऑफिस में भी ये बहुत यूजफुल हो जाता है और सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाता है तो इस तरह से आई डी टी रेगुलर कोर्स में यहाँ पे हम सिक्सटी फाइव एक्स्ट्रा लेते हैं Now, आते हैं आई डी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में आई डी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स जो है यहाँ पे 45 फाइव लेक्चर्स और 165 सिक्सटी आवर्स का होता है अब मैं आपको ये बता दूँ ये फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है ये रेगुलर फुल कोर्स विथ 100 परसेंट सिलेबस कवरेज इसमें होगा पर इसका अप्रोच थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा यहाँ पे ये जो है कि ये जो आई डी टी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है इसमें मैं हंड्रेड परसेंट सिलेबस करता हूं जैसे जब आप कोई लॉ पढ़ते हो तो लॉ में होता क्या है एक्ट होता है उसके बाद में रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन और सर्कुलर जहां तक ये लॉ की बात है तो जितना डेप्थ में मैं रेगुलर कोर्स में पढ़ाता हूं उतना ही डेप्थ में मैं एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में पढ़ाता हूँ दोनों में एग्जैक्टली exactly मैं डेप्थ पकड़ता हूँ एनालिसिस उतना होता है और यहाँ पे जो है चार्ट ड्रॉ भी मैं दोनों में सेम लेवल पे करता हूँ लेकिन यहाँ पे सिक्सटी फाइव आवर्स कहां से हो करता हूं पॉइंट नंबर वन जो मैंने रेगुलर कोर्स में आपको बताया था कि यहां हिस्ट्री

थर्ड यहां पे ऑफिस की जो प्रैक्टिकल केस स्टडीज है जहां मुझे लगता है कि हां ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए वही मैं डिस्कस करता हूं क्योंकि अल्टीमेटली बेटा जैसे नाम कहता है एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड ओरिएंटेड तो यस yes, ये कंप्लीटली अप्रोच के हिसाब से होता है जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपके अवश्य हो जाए और चौथी बात यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और वो ये कि इसमें जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो रेगुलर नोट्स में मैंने दिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो तो सेम डिस्कस होते हैं जो इनडेप कोर्स में होते हैं लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको

आपको अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कोई क्वेश्चन में ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ अगर स्पेशल सर गाइडेंस देते तो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ जाती तो उसके लिए आपको एक जीनी बुक मिल जाती है फिजिकल बुक तो कोर्स के साथ मिलती है प्लस आपको डिजिटल बुक भी मिलती है जिसमें मेरे वीडियो भी अटैच होते हैं तो जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ आप वो वीडियोज़ यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे ये होता है और दूसरी बात एक एक और पॉइंट है जहाँ मैं अपना टाइम से वो करता हूँ क्या होता है आई डी टी रेगुलर इंडेप कोर्स में जो है मैं आपसे चार्ट ड्रॉ करवाता हूँ सो दैट कॉन्सेप्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो रिटेन हो और क्लास साथ ही आपकी स्टडी हो जाए लेकिन आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में जो चार्ट्स में सेम लेता हो लेकिन आपको ये जो चार्ट्स है बेटा ये चार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेके आपको ड्रा करना पड़ता है तो यस इस तरह से हमारे कोर्स के यहाँ पे 65 आवर्स सेव हो जाते हैं ना अब आपका दूसरा सवाल होता है कि सर ये बताइए कि आईडीटी रेगुलर इंडिप कोर्स हमने आई रेगुलर इंड कोर्स के लिए जाना चाहिए या आई रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के लिए जाना चाहिए ये तो बेटा स्टूडेंट्स के अप्रोच पे डिपेंड होता है जैसे मुझे पढ़ाते पढ़ाते यहाँ 22 इयर्स हो चुके हैं और मैंने मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स को समझा ओके okay, यहाँ पे पढ़ाया हुआ है और पिछले बाईस साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा और वो है इनडायरेक्ट एक्सेस बेटा मैंने क्या देखा ये बाईस साल में मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट पर ग्री तभी आती है जब उसको उसका बैकग्राउंड पता है ओके okay, उसकी हिस्ट्री पता है उसके बाद में वो डेली क्यूमलेटिव रिविजन कर रहा है उसके बाद में खुद ड्रॉ बना रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है वो सब्जेक्ट में और वो अच्छा स्कोर कर लेता है तो अगर आपका स्टडी अप्रोच ऐसा होगा कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने के के लिए लिए और आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट करने के लिए आपको जो है ओके okay, उसके बैकग्राउंड चाहिए हिस्ट्री चाहिए उसके बाद में नेक्स्ट आप खुद चार्ट ड्रॉ कर रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप आई रेगुलर इनडेप कोर्स के लिए जाइएगा ओके बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट कर देगा और जैसे मैं हर क्लास में कहता हूँ कि इस बार अस्सी तो है यहाँ पे आ, अब वो ए टीन के लिए हेल्प कर देता है लेकिन आईडीटी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स मैं कौन से स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहूंगा तो वो स्टूडेंट जो ऑफिस में जीएसटी का अच्छा खासा वर्क कर लेते हैं जिनको अप्रोच बहुत क्लियर है कि जीएसटी के, टी यहाँ पे बहुत से उन्होंने केस स्टडीज हैंडल की है नो डाउट ये जो कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम भी लगा रहा है तो आई रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स फर्स्ट टाइम भी बहुत अच्छे समझा समझ जाता है क्योंकि मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे लॉ समझाने में, में मैंने कहीं कमी नहीं रखी है दोनों में सेम समझाया है ओके एक्ट रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन

तीन चार साल हो गए क्लास लगाने को तब से बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ गई आई में तो आई एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स उनको पूरा यहाँ पे ओके यस सारे कॉन्सेप्ट को वो कनेक्ट कर देगा ओके और वो फिर से इस कोर्स से कनेक्ट हो जाएगी और अच्छा स्कोर करने के यहाँ पे ओके पूरा प्रयास कर सकते हैं तो दोस्तों और अगर कोई स्टूडेंट किसी ने अदर फैकल्टी के क्लास लगाए क्लास नहीं हो पाया या नहीं समझ पाया तो उनके लिए आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स बहुत अच्छा है जो आपका हंड्रेड परसेंट इंडक में सिलेबस कवर कर लेता है तो दोस्तों हाँ तो यह दोनों डिफरेंस है एक बात और बता दू कि जैसे जैसा आपने सर ये वो कहा कि आई रेगुलर इंडक्ट कोर्स में आप हिस्ट्री बताते हो क्यूमिटी रिवीजन लेते हो ऑफिस की केस स्टडीज बताते हो या फिर आप चार्ट्स ड्रॉ करवाते हो तो क्या ये यहाँ एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है देखो हिस्ट्री वगैरह एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं होता है पर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आने के लिए और सुपर बूस्ट आपका जो विश्वास है पूरा सब्जेक्ट में आने के लिए ओके okay, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करता है इसलिए आपका क्या अप्रोच है पढ़ाई करने का उसके बेस पर आप ये दोनों कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छा खासा क्लैरिटी दे दिया है ओके okay, चलिए दोस्तों ये तो था यहाँ पे जो डिफरेंस हमने देखा आई रेगुलर इंडेप कोर्स और आई रेगुलर एग्जाम ओरिएटेड कोर्स ओके लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आई रेगुलर एग्जाम ओरिएटेड फुल कोर्स भी लेते हो जो भी रीजन मैंने बताया उसकी वजह से आप फर्स्ट टाइम भी देखते हो तो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा लेकिन ओके okay, आपको जो है मेरे साथ एक डेढ़ घंटा डेली बेसिस पे ओके okay, स्टडी तो करना पड़ेगा चलो तो ये दोनों कोर्सेस स्टार्ट होने वाला है आई रेगुलर इंडेप कोर्स जो है ये फर्स्ट अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है और आई रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स ये फिफ्टी अप्रैल ट्वेंटी से स्टार्ट होने वाला है जिसके लेक्चर्स आपको ऑनलाइन डाउनलोड मोड में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अगर आप पी मोड में बाय करना चाहते हो बेटा तो पी मोड में जो है ये ओके आईडीटी रेगुलर इंडेप कोर्स जो है वो आपको पीडी मोड में फर्स्ट ऑफ मे से अवेलेबल होगा और आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरियंटेड कोर्स ये आपको जो है टेंथ ऑफ मे से अवेलेबल करवा दिया जाएगा ना तो ये देखा हमने डिफरेंस यहाँ पे आई डी रेगुलर इंडेप कोर्स और आई रेगुलर एग्जाम ओरियंटेड कोर्स ओके तो इसके बेस पर आप जो है बिल्कुल कोर्स बाय कर सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो आ, हाँ पर आपके पास अगर अच्छा खासा टाइम है सेवन टू एट मंथ्स तो मैं आपको स्ट्रॉंगली रिकमेंड करूंगा इनडेप कोर्स से रिलेटेड ठीक है चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर ये जो आपका आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स है ये पहले 150 का होता था, और अब ये जो कोर्स है तो यह फिफ्टी का डिफरेंस क्यों आ रहा है आपको पहले बता दूं कि देखो सेकंड ग्रुप में आईडीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और मैं कहूंगा कि इसमें कोई चांस मत छोड़ना क्योंकि मैंने लास्ट फोर इयर्स के रिजल्ट देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें एग्जामेशन स्कोर किया है या फिर अबो नाइनटी स्कोर अबो किया है तो सब्जेक्ट के साथ आपकी रिस नहीं होनी चाहिए दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पिछले एक साल में यहाँ पे अराउंड ओके टेन थाउजेंड स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स जिन्होंने लिया उनका फ़ीडबैक भी लिया है और मैक्सिमम स्टूडेंट का ये फीडबैक आता है कि सर जो भी 150 फिफ्टी आवर्स के कोर्स होते हैं मेरा हो या किसी और का भी हो तो इसमें कुछ चैप्टर स्पीडअप हो जाते हैं स्पेशली जी के लास्ट चैप्टर जो है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं जिसपे ग्रिप नहीं आ पाती है तो स्टूडेंट के सजेशन पे और मुझे ये पता है कि ये वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपने कोई चांस नहीं छोड़ना चाहिए तो मैंने फिफ्टीन आवर्स बढ़ाया है ये फिफ्टीन आवर्स क्यों बढ़ा है इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं कि पहला रीजन ये है कि पिछले साल भर में जो अमेंडमेंट्स हुई है उसको बहुत अच्छे से कवर किया है और दूसरा ये बेटा कि जो आखिरी के टॉपिक जो है जिसमें ग्रीप नहीं आ पाती अगर हम थोड़ा फास्ट भी चले जाए तो वो टॉपिक जो है जैसे रिफंड हुआ डिमांड हुआ अपील हुआ वो टॉपिक इसमें बहुत अच्छे से लिया है और कन्विंसिंग लिया है इसलिए मैं हर बार स्टूडेंट को कहता ताओ कि इस बार 80 पार तो यस बेटा ये सब्जेक्ट में अबो 80 आप टारगेट कर सकते हो कोई रिस मत छोड़ो ओके यहां पे जहां तक देखा जाए ये 15 आवर्स में ओके बढ़ने से यहां आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट होगा ये मेरा आपको एश्योरेंस है चलिए नाउ आपको ये जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं आईडीटी डी टी रेगुलर इंडेप कोर्स के या आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के ये आपको रिकॉर्डेड सेशंस दिए जा रहे हैं जो नवंबर 23 एग्जाम के लिए अपीड हो रहे हैं वो कम्पलीटली अपडेटेड और अमेंडेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे सारे लेक्चर्स जो है ओके okay, अमेंडमेंट के साथ पूरे अपडेट करके आपको दिए जाएंगे नाव अब बात अगर अमेंडमेंट्स की निकली है तो अमेंडमेंट्स के बारे में आपको ये बता दूं कि अमेंडमेंट्स uh, होता क्या है एक तो एक्ट के सेक्शंस जो है उसमें कुछ थोड़े, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उसके बाद में नोटिफिकेशंस जो रूल्स uh, के होते हैं या नॉर्मल प्रोसीजर के नोटिफिकेशन होते हैं और दूसरा सर्कुलर होता है तो बेटा इस बार जो है आपको नवंबर 23 एग्जाम को फाइनेंस एक्ट 2022 ही अप्लीकेबल है तो उसकी तो सारी अमेंडमेंट्स कवर है ही प्लस इस बार अगर मैं देखू तो फर्स्ट नवंबर से लेके तो थर्टी अप्रैल तक की जो अमेंडमेंट्स आपको अपलीकेबल होती है ओके okay, तो ये जो अमेंडमेंट्स है इसमें कंप्लीटली कवर इसमें ओके okay, मुश्किल से आपको जो नोटिफिकेशंस अपलिकेबल है वो छह नोटिफिकेशंस आए हैं और आठ सर्कुलर आए हैं तो ये

सर का डी का कोर्स चालू होने वाला है या आप कोई अदर फैकल्टीज के डी के कोर्सेज लगाने हो तो वो जुलाई में चालू हो गए तो आप जुलाई में डी लगा लो और अक्टूबर में मेरा आई का न्यू बैच आएगा तो वो आप न्यू बैच लगा सकते हो एक सवाल आपका और हो सकता है कि सर ये बताइए कि अगर इस इंस्टीट्यूट ने नई स्कीम अनाउंस कर दी सी फाइनल की फॉर मे 24 एग्जामिनेशन तो क्या जीएसटी न्यू स्कीम के लिए भी एग्जैक्टली exactly सेम है तो यस बेटा जीएसटी न्यू स्कीम के लिए एग्जैक्टली exactly सेम है और अक्टूबर में जो नई रिकॉर्डिंग होगी अकॉर्डिंगली हम वो रिकॉर्डिंग करेंगे और लॉ एग्जैक्ट सेम है मार्क्स लोकेशन एग्जैक्ट सेम है तो आप जुलाई में डी लगा सकते हो और अक्टूबर में आप जो है आई का प्लानिंग कर सकते हो ऑप्शन नंबर टू आपके पास यह है कि ऑप्शन नंबर टू में जो है बेटा आप ये जो अप्रैल मंथ की रिकॉर्डिंग है आप अप्रैल मंथ की रिकॉर्डिंग ले सकते हो फॉर मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन के लिए और आप जुलाई के पहले ही आईडीटी कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद में आप डीटी भी लगा सकते हो लेकिन अगर आप ये अप्रैल का रिकॉर्डिंग ले रहे हो तो इसमें आपको दो से तीन लेक्चर्स अमेंडमेंट के करने पड़ते हैं क्योंकि मे 24 एग्जाम को अमेंडमेंट्स जो लागू होती है वो लागू होती है यहां पे थर्टी अक्टूबर तक की तो ये दो तीन लेक्चर्स आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे और वो लेक्चर्स की अमेंडमेंट्स आपको फेब्रवरी में मिलेगी ऑन माई यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे तो यस ये भी ऑप्शन आप ऑप कर सकते हो ये ऑप्शन टू का फायदा क्या है ऑप्शन टू का फायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे ओके okay, एग्जाम के छह महीने पहले आईडीटी और डीटी दोनों कर लेते हो और एग्जाम का लास्ट सिक्स मंथ सिर्फ ओके सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए रखते हो तो इससे बेस्ट आइडियल सिचुएशन और कुछ नहीं हो सकती है और अमेंडमेंट्स दो तीन है और अमेंडमेंट्स होती है क्या क्या होता है बेटा एग्जिस्टिंग लॉ का एक्सटेंशन होता है तो ऐसा तो नहीं होता है कि पूरा सब्जेक्ट okay, ही बदल गया एग्जिस्टिंग लॉ का ओके एक्सटेंशन होता है वो आपको अच्छे से समझ में आता है तो दो बातें ओके न्यूज स्कीम में एक्जैक्टली डी टी और आईडी टी सेम है इसलिए आप ये लेक्चर्स ले सकते हो और दूसरी बात आपको ये बता दो की यहाँ पे अमेंडमेंट्स लॉ का एक्सटेंशन होता है इसलिए दो तीन लेक्चर्स में आप हैंडल कर लोगे तो ये थी फॉर okay, नवंबर 23 और मई 24 फोर एग्जामिनेशन के लिए अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर जो नोट्स है हमें नोट्स कैसे मिलेगी क्या मिलेगी तो दोनों कोर्स में आई रेगुलर इंडेप कोर्स और आईडी रेगुलर एग्जाम ओरियंटेड कोर्स दोनों कोर्स में जो आपको नोट्स मिलेगी वो नोट्स जो है बेटा यहाँ रेगुलर नोट्स रहेगी आप नोट डाउन कर सकते हो जीएसटी के तीन मॉडल्स मिलेंगे कस्टम्स का एक मॉडल मिलेगा यहाँ पे और कस्टम्स uh, का एक मॉडल मिलेगा क्वेश्चन एयर आपको मिलेगा जीएसटी के दो क्वेश्चन एयर बुक मिलेगी और कस्टम्स का एक क्वेश्चन एयर बुक मिलेगा नेक्स्ट आपको चार्ट बुक मिलेगी जीएसटी की और वॉल चार्ट जो है वॉल चार्ट आपको तीन वॉल चार्ट जीएसटी के मिलेगी और एक वॉल चार्ट आपको कस्टम्स का मिलेगा तो इस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी नोट्स के बारे में हम लेक्चर जीरो जीरो में और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट चलिए अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि सर अगर हम ये कोर्स बाय करते हैं तो हमें सारे लेक्चर्स कब तक अवेलेबल हो जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर्स जो है यहाँ मे एंड तक अवेलेबल हो जाएंगे इसलिए कोई स्टूडेंट अगर ये प्लानिंग करना चाहता है कि यहाँ पे वो दिन का एक या दो लेक्चर्स अगर देखना चाहे तो यस उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी हम लेक्चर्स अकॉर्डिंगली अपलोड कर देंगे तो आपको अगर दिन के दो लेक्चर्स भी देखना है तो आप देख पाओगे इस तरह से आपको लेक्चर्स की अवेबिलिटी करके दी जाएगी ना अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि नहीं सर मुझे सारे लेक्चर्स पहले दे दो मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से देखूंगा तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स की आपको दो लिस्टिंग हमारे वेबसाइट पे दिखेंगी एक ओके फॉर नवंबर ट्वेंटी थ्री एंड मई ट्वेंटी फोर जो नई लिस्टिंग होगी और एक

लेक्चर्स अपलोड करके दे दूंगा तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो तो चलिए ओके okay, तो ये था लेक्चर्स की अवेबिलिटी अब लास्ट में ये मैं कह दूँ बेटा कि अगर आप मेरा और भवर सर का कम्बो ले रहे हो और प्री बुकिंग कर रहे हो क्योंकि यहाँ डीटी का क्लास आपका भवर सर का जो है वो स्टार्ट होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई और मेरा मे 24 के लिए जो स्टार्ट होगा वो अक्टूबर में क्लास स्टार्ट होगा तो अगर आप इस कोर्स की कंबो बुकिंग ले रहे हो तो प्री बुकिंग में ओके okay, आपको ये कंबो कोर्स मिल सकता है जिसके लिए आपको ऑफर्स भी दी जाएगी इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो आएगा वो वीडियो आप जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी इसके बाद में भी आपको कोई क्वेश्चन हो गए हो तो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का जरूर देखिएगा उसमें आपके कमेंट्स पे और आपके क्वेश्चन पे मैं कोई नया वीडियो भी रिकॉर्ड करके उसकी लिंक भी दे सकता हूँ या आपकी जो भी कमेंट्स होगी जो भी हो या कोई डाउट हो गए तो कमेंट्स में जरूर आप लिखिएगा सो थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मिलता है यहाँ पे आई डी रेगुलर एग्जाम कोर्स के लिए 15th of April से है। और बेटा मैं आपको assure करता हूं कि IDT आपका इतना सब्जेक्ट होगा कि यस yes, आप पूरे पूरे यहाँ पे जोश के साथ कह पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ कह पाओगे कि yes, इस बार सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू